ऐसा लग रहा है आपको कि मोदी जी की लोकप्रियता घट रही है? अभी घट रही है, घट रही है बहुत हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। केंद्र से बड़े बड़े दिग्गजों को उतारा गया है, जो मंत्री है, जो कृषि मंत्री है, कोई पार्टी का महासचिव है, उनको विधायक का चुनाव लड़ाया जा रहा है। हाँ, इसीलिए लड़ाया जा रहा है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी जो चारों तरफ से डरी हुई है। तो सर आपसे एक ही सवाल है, मैं पूरे मध्य प्रदेश का पूछूंगा, इस बार क्या हो सकता है, किसकी सरकार बैठ सकती है? इस बार तो सत्ता बदलेगी, अरे परिवर्तन है, परिवर्तन है। इतनी बहना है, उनको तो हजार हजार रुपए दे रहे हैं, उनको फिर राखी बांधने 250 दे रहे हैं, और हमको तो खेती का भी नहीं मिल रहा है। लाड़ला भाई नहीं है क्या? सेना जी का मुकाबला वही करेंगे, थोड़ी ताकत लगेगी, ताकत लगेगी। इसमें देखो दो लॉलीपॉप दिए, एक तो दिए लाडली बहना जी, और दूसरा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था जी, तो सीधा उनने लाए महिला आरक्षण। महिला 2 साल के अंदर कर सकते थे ना, क्यों नहीं किए? नहीं, 9 साल के अंदर मनसा नहीं थी ना उनकी, यदि अगर उनकी मनसा होती तो वो पहले ही कर लेते। हाँ, ये दादा लोग खड़े, दादा कौन से गाँव से आए आप? बाजार आओ ना जी, इधर सामने आओ। कौन से गांव से आए? बोला यहीं पे है, यहीं से। तो आपके इधर चुनाव है? हाँ। तो सरकार से कुछ योजना मिल रही है वृद्धावस्था की? मिल रहा है जी हमको। नहीं। अरे तो शिवराज जी ने तो बहुत कुछ अच्छा कर दिया ना, हमको तो देना दिया, पेंशन मिल रहा हो गया। देखो अभी जितनी बहना है उनको तो हजार हजार रुपए दे रहे हैं, उनको फिर राखी बांधने 250 दे रहे हैं, और हमको तो खेती का भी नहीं मिल रहा है। लाड़ला भाई नहीं है क्या? सही में बाबूजी, लाड़ला भाई नहीं है, इनको तो छोड़ दिया ना, तो बहना को पकड़ लिया। वृद्धा पेंशन वेंशन मिलता है? और पेंशन मिलता है जी। तो इस बार चुनाव है आपके यहाँ? वही पूछने आया था कि चुनाव इस बार है, पहले भटेरे जी को टिकट देने वाले थे, नहीं मिले, कराए जी को दिए, फिर इधर से हिना कांवरे जी है, तो इस बार कौन जीतेगा क्या लगता है? बिंदास में बताओ, कोई टेंशन नहीं, बिंदास क्या? बिल्कुल, आप बताओ जी, बताएंगे बाबू जी, अब क्या बताएंगे? बिंदास में बोलो कौन निकल रहा है? आप कहाँ से? इसी गांव से। इसी गांव से। तो माहौल क्या बोलता है इस बार, परिवर्तन क्या डबल से बीजेपी? नहीं, कांग्रेस ही। कांग्रेस ही? हाँ, हिना कांवरे निकलेगी। पूरे अपने मध्य प्रदेश में क्या हो सकता है? मध्य प्रदेश इतने ज्यादा में किरनापुर और लांजी क्षेत्र ये तो है, यहाँ से मैडम अच्छी निकालेगी कांग्रेस। 10 साल के काम अच्छे रहे उनके। हाँ, कार्यकाल। क्या उनके टक्कर में कोई नहीं मिल रहा है? नहीं, उसके टक्कर में कोई नहीं मिल रहा है। टिकट पे टिकट बदली जा रही है, बदली जा रही है, इसलिए उसी का है। इनको आम आदमी पार्टी का मिला गया, बीजेपी को कोई दूसरे नहीं मिलेगा इनको? अभी तो वो तो पता नहीं, वो नहीं बता सकता। नहीं, कराए जी को दिए ना उन्होंने? नहीं, भटेरे जी नाराज हो गए। भटेरे जी नाराज हो गए, तो कराए जी को दिए। नाराज जी का फायदा किसको मिलेगा फिर? नहीं, वो मैडम जी को, मैडम को, मैडम को ही मिलेगा। समोसा खा रहे गरम गरम आप? कौन से गाँव से आप? मैं भानेगांव से। भानेगांव से? तो भानेगांव से लेके अपना बोलेगांव तक के तो माहौल बड़ा गरम गरम रहता है, है ना? अब भटेरे जी को टिकट नहीं मिली, कराए जी को मिल गई, तो कैसा रहेगा माहौल, क्या रहेगा इस बार? कांग्रेस निकलेगी यार, यानी पूरा फायदा उनका ही है। पूरा फायदा है, घर में सोई भी रहेगी हिना कांवरे, तो कांग्रेस जीत रही है बिल्कुल, क्योंकि दोनों का झगड़ा है। क्या है, दो का झगड़ा, तीसरे का फायदा होगा। और यहाँ पर क्या है, जो प्रत्याशी जो खड़े हो रहे, तो हिना कांवरे एक है, रमेश भटेरे भी रहेगा बिल्कुल, राजकुमार कर रहा है भी रहेगा बिल्कुल, और भटेरे जी स्वतंत्र लड़ रहे हैं, कुछ तैयारी है क्या? बिल्कुल स्वतंत्र लड़ सकते हैं। आम आदमी में जा रहे? नहीं, स्वतंत्र लड़ सकते हैं वो, स्वतंत्र लड़ सकते। वो तो बोल रहा है कि मैं तो यानी भाजपा मेरी माँ है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल, है ना? तो उस हिसाब से उस पे ऐसा लग रहा है कि निर्दलीय लड़ रहे, तो उन्हें फिर निर्दलीय नहीं लड़ना चाहिए ना, जब भाजपा माँ है तो कराए तो जीतने नहीं देंगे ना। अच्छा, कराए नहीं जीतना? हाँ, कराए नहीं जीतना चाहिए ना। अच्छा, अब ये ज्योति उमरे भी खड़ी हो गई है, वो भी लोधी समाज से यानी वोट काटेगी वो, बिल्कुल। तो इधर उधर से चारों तरफ से अगर देखा जाए तो बीजेपी का नुकसान है, कांग्रेस आराम से निकलेगी। अब ये हो गई बात आपके क्षेत्र की जी। अभी कल ये ताजा न्यूज सुने हमने कि आपके जो शिवराज जी है चौहान, उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, नरेंद्र सिंह तोमर को लड़ाया जा रहा है जी, मुख्यमंत्री के लिए। भाजपा जो है ना, नहीं होता ना, अभी भटेरे जी को कहाँ टिकट मिली, पूरी जनता ने हंगामा कर दिया था। बीजेपी वालों को ऐसा लग रहा है कि घबरा गए, डर गए, ऐसा मानना है, तो इसलिए बड़े बड़े मंत्रियों को उतारे, दिग्गज नेताओं को उतारे इनने जी। तो इनके पास दूसरे कोई नेता नहीं थे क्या? आइए सर, एक तो सवाल है आखिरी में, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है सबसे पहली चीज। नहीं, अभी क्या हुआ, केंद्र से बड़े बड़े दिग्गजों को उतारा गया है, जो मंत्री है, कोई कृषि मंत्री है, कोई पार्टी का महासचिव है, उनको विधायक का चुनाव लड़ाया जा रहा है। हाँ, इसीलिए लड़ाया जा रहा है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी जो चारों तरफ से डरी हुई है, क्या डर लगा कि ये लोग नहीं जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए वो अपने जो दिग्गज नेता है
उनको उतार रहे हैं, और जो खासकर विधायक भी जो बने हुए हैं उनकी भी टिकट उन्होंने काटा है यहाँ पर। जैसे शिवराज जी का भी टिकट कैंसिल। बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या है, इनका सबसे पहला फिर लाडली बहना का क्या होगा? देखो सर, लाडली बहना योजना जो है ये जो चला रहे है, तो एक संविधान की धारा उसके तहत जो है महिला उत्पीड़न के लिए जो संविधान में जो पारित अधिकार जो दिया हुआ है उसी के अंतर्गत में उन्होंने जो पैसा निकाल करके महिलाओं को जो है 1000 रुपया जो है दे रहे हैं। यानी उनका व्यक्ति ये है कि महिलाएं जो है, तो हम अगर सीधा बोलो ना, वोट खरीद रहे, वोट रिश्वत दे रहे, ये बोलना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आपसे एक ही सवाल है, मैं पूरे मध्य प्रदेश का पूछूंगा, इस बार क्या हो सकता है, किसकी सरकार बैठ सकती है? इस बार तो सत्ता बदलेगी। अरे परिवर्तन है, परिवर्तन है, क्योंकि जनता खुश नहीं है, खुश नहीं है, है ना, क्योंकि महंगाई से त्रस्त है जनता। क्योंकि हम जिस गांव में भी जाते हैं, हर कोई जैसा सिलेंडर है जो 450 था, आज 1200 रुपए चल रहा है, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, पर ये विकास के लिए क्या बोलते हैं, वो वादे करते बस हो गया, वादे करते हैं, होता कुछ भी नहीं। बिल्कुल। अभी क्या है, सबसे पहले जो केंद्र की जो सरकार है, इन्होंने एक तो नारा दिया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बिल्कुल ठीक है, तो जनता को खाने नहीं दे रहे हो, लेकिन खुद खा रहे हैं, जनता को नहीं खाने दे रहे हैं, जनता को भूखे रख रहे हैं। आज एयर इंडिया बिक गई, BSNL बिक गया, है ना, जितने भी हमारे शासकीय जो खजाने बिजली उजली है, ये सारे के सारे बेचने का काम, देश के विकास के लिए किए बोलते हैं ना, देश के विकास के लिए नहीं किए सर, इन्होंने देश को कंगाल करने के लिए यहाँ की जो भोली भाली जनता है, SC ST OBC के लोग जो यहाँ जी रहे हैं, उनको और भिखारी बनाने के लिए और पूंजीपतियों का जेब भरने के लिए ये गवर्नमेंट ही काम कर रही है। बिल्कुल सर, ऐसा लग रहा है आपको कि मोदी जी की लोकप्रियता घट रही है? अभी घट रही है, घट रही है, बहुत, हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, कर्नाटक में कांग्रेस आ गई, पूरी आ गई, वो इस बार कांग्रेस ही आएगी। यानी ये लोग बोलते थे कि भारत कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, नहीं नहीं नहीं, अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी मुक्त भारत होने जा रहा है, बीजेपी मुक्त भारत होगा। अच्छा, बात रही ये लांजी क्षेत्र की, है ये डबल मनी वाले ने खाया है, लोग बोलते कर रहा है, मन कर रहा है ना, लक्ष्मण कर रहा है, अच्छा हो गया उसको टिकट मिली तो। बिल्कुल। और हीना जी का मुकाबला वही करेंगे, यानी थोड़ी ताकत लगेगी, ताकत लगेगी, लेकिन सीट हीना जी ही जीतेगी, निकालेगी। बिल्कुल, पूरी जनता बोल रही है अभी, एकदम सही, बस इतना कहता हूँ। बिल्कुल, चलो हम आज एक बात और मैं रखना चाहता हूँ आपके माध्यम से, बोलिए, एक बात और मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ, जो अभी जो महिला आरक्षण वाला जो विधेयक जो अभी लाया है, जो अभी महिला आरक्षण का जो चल रहा है जी, अभी पूरी बहना लोग खुश हो गए होंगे कि हमारे लिए कुछ तो भी हो रहा है, है ना, लेकिन महिला आरक्षण लागू कब होने वाला है ये बताओ सर, इसी पे चर्चा कर रहा था मैं, क्या है महिला आरक्षण का जो बिल आज लाके पटका है पटल के ऊपर, ये सिर्फ भारतीय जनता कांग्रेस वालों ने लोकसभा से पास कर दिया था जी हाँ, है ना, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का ही लॉलीपॉप है, क्योंकि इसके लिए जो है सर पहले सर्वे कराना पड़ेगा, और सर्वे कराने के बाद में, अब सर्वे जो होगा तो 2011 में भी सर्वे हुआ था, 2011 में जो सर्वे हुआ था, इसके बाद में इसका जो सर्वे, तो सर्वे करने के लिए कई दिन लग जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, अरे चुनाव आ रहे हैं तो 2039 में जाएगा, हाँ 2039-39 या 41 में भी जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि सर्वे इतने जल्दी होता नहीं, 16 साल टाइम लगता लगेगा जी हाँ, 16 साल पक्का समझ, तो ये सिर्फ इस देश में महिलाओं को लॉलीपॉप दे रहे कि हम आपके लिए 33% आरक्षण जो है ला रहे हैं, कहके इसका जो है जो कहना चाहिए कि महिलाओं ने ज्यादा करके इसका विरोध करना चाहिए। बिल्कुल, इसमें देखो दो लॉलीपॉप दिए ने, एक तो दिए लाडली बहना जी, और दूसरा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था जी, तो सीधा उनने लाए महिला आरक्षण, महिला जो कि कांग्रेस ने सबसे पहले पास कर लिया था बिल जी, तो ये अभी 9 साल के अंदर कर सकते थे ना, क्यों नहीं किए? नहीं, 9 साल के अंदर मनसा नहीं थी ना उनकी, यदि अगर उनकी मनसा होती तो वो पहले ही कर लेते हैं। बराबर, लेकिन अभी है चुनावी फंडा, और सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ से इस देश से इनका एक नारा है कि संविधान को खत्म करने वाली बात, पर नहीं हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, खुद हम खत्म हो जाएंगे लेकिन संविधान खत्म, बहुत लोगों से मिले, सभी की अलग अलग प्रतिक्रिया मिली, कोई कांग्रेस समर्थक मिला तो कोई बीजेपी समर्थक मिला। ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल से मैं दीपक कुतेकर, नमस्कार दोस्तों।